My name is Rupesh and by profession, I am a fitness influencer and a motivational speaker. I might not be a professional writer, you guys must be too good, obvious. So whatever I am going to be share here on you guys today, so that's in a language of heart. Ki jazbaaton ka johari main tha uske, jazbaaton ka johari main tha uske, aur jism rakib tarash raha tha. मतलब बेबी शोना लव यू कसमे वादे मेरे साथ ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी लेकिन उसके शरीर पर अपना नाम गोद रहा था रकीब. तो जज्बातों का जौहरी मैं था उसके और जिस्म रकीब तराश रहा था. देर सवेरी सही ये बात मुझे समझ में आ गई कि गलती शायद मेरी ही रही होगी कि वो तो बेमोल सा पत्थर थी, वो तो मैं ही था जो उस बेमोल से पत्थर में कोहिनूर तलाश रहा था. और कोई बताए उसे कि जिस स्कूल का नाम वो रोशन कर रही थी उस स्कूल की ब्लैकलिस्ट का मैं कभी टॉपर रहा था. वो कहती थी कि भरोसा रखो. इश्क में हर बंदा क्या करता है कि भाई लिमिट पुश करता है अपनी. तो वो कहती थी कि भरोसा रखो. मैंने कहा कर लेते हैं, पर वो भरोसा ही तोड़कर चली गई. कि वो कहती थी कि भरोसा रखो और भरोसा ही तोड़कर चली गई जिसके लिए मुझे ठुकराया था वन नाइट में गया छोड़ दाल गली नहीं. और वो मुझको कहती थी चाइनीज फोन और खुद को नोकिया समझती थी. गजब बेइज्जती है यार. क्यों मुझको कहती थी चाइनीज फोन और खुद को नोकिया समझती थी. पता है क्या हुआ, वन नाइट वाला आईफोन निकला तो नोकिया की क्वालिटी भी चली नहीं. ये गेम हो गया. ठीक है, तो एक रिसेंटली लिखा था मैंने अभी थोड़ा. घर में सबके एक राउटर लगा होता है वाईफाई यूज़ करने के लिए, इंटरनेट सर्विस के लिए, और एक टैबलेट होती है डिस्प्रिन की जो पानी में घुल जाती है बहुत जल्दी. तो वाईफाई में इंटरनेट केबल भी यूज़ हो जाती है. ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें ना लाइट्स लग रही होती है नीचे. ठीक है, तीन चार लाइट होती है जो स्टेबल होती है, एक होती है अनस्टेबल होती है जो ब्लिंक करती रहती है. ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना. तो कुछ इस तरह है कि तेरे राउटर की लुपलुपाती लाइट सा दिखूं मैं तुझे भीड़ से परे. तेरे मतलब जो भीड़ है वो है स्टेबल लाइट, मैं अनस्टेबल हूँ. ठीक है, कि तेरे राउटर की लुपलुपाती लाइट सा मैं दिखूँ तुझे भीड़ से परे, और इस रिश्ते की डोर बेशक इंटरनेट की केबल जैसी जुड़ी रहे पर एहसास वायरलेस वाईफाई सा काम करे, और जो कभी एरर आए तो तेरा ट्रबल शूट बन जाऊँ, तेरी आँखें नम हो तो टेक्नीशियन बन घर आऊँ, और ख्वाहिश बस इतनी सी है, कि तेरी हर मुश्किल सरदर्दी की मैं डिस्प्रिन बन जाऊं. तेरी मन की इच्छाओं के पानी में सेकंडों में घुल जाऊं, और फिर क्या, आराम तू फरमाए और सुकून मुझे मिल जाए. सो एनी वन ब्रोकन हर्ट इन द हाउस, दिल टूटे हुए आशिक कोई टूटे हुए और भाई हैंगे. चलो मैं भी हूँ भाई, तुम में से एक ही हूँ यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकेला मत समझो खुद को. मैं भी दिल टूटा आशिक हूँ. और दिल टूटे आशिक का क्या सीन है ना कि भाई लिखावट को सजावट ना तभी मिलती है जब एक बार दिल टूट जाता है, मेरा ऐसा मानना है. और जिसने प्यार में प्यार को खोया नहीं है ना उसे प्यार पाने के मायने कभी समझ ही नहीं आ सकते. ठीक है, ये सच्चाई है. तो उसकी और मेरी शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी. कुछ इतनी खूबसूरत थी, वो लम्हा इतना खूबसूरत था कि वक्त बेशक बीत गया था, वो लम्हा निकल गया था, पर मैं आज भी आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा आज भी उस लम्हे में ही ठहरा हुआ था जिसका यकीन उसने मुझे अपने सीने से लगाकर, अपनी सांसों की गर्माहट से मेरे कानों में फुसफुसाते हुए मेरे डूबते हुए इजहार का इकरार कर किनारा लगाया था. ऐसी कुछ शुरुआत थी. और हालात बेशक जैसे भी रहे हो, वक्त कैसा भी बीत रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं हर सुबह उस खुदा से दुआओं में अपने लिए उम्र कैद ही मांगता आया हूँ. बस ख्वाहिश मेरी इतनी सी थी कि जिस तहखाने में मुझे रखा जाए कैदी बनाकर वो उसके दिल के किसी कोने में हो. रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन मैंने यादों और अंजाम में यादों को ही चुना क्योंकि खूबसूरत बहुत रही थी. हालांकि मैं दिल टूटा आशिक था, मतलब यादों ने ही सारा वक्त ले लिया, अंजाम ने कुछ वक्त लिया ही नहीं है उसमें. ठीक है, तो वो मेरी सुबह की गर्म चाय की पहली चुस्की सा एहसास थी, मेरी हर पीछे छूटी अधूरी कहानी के अल्फाज थी वो, मेरे बीते हुए कल में मेरा आस थी वो.
कुछ ऐसा होता था ना कि कभी वो खाली सड़क पे चलती थी तो मेरा हाथ छोड़कर अकेला चलती और मुझे कॉन्फिडेंस दिखाती थी। वैसे कभी छोड़ती नहीं थी पर मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया करती थी अकेले चल के, लेकिन जैसे ही सामने से आती भीड़ को देखती तो भागती हुई मेरी तरफ आती थी, मेरे हाथों में हाथ डाल के चिपक जाती थी और बड़ी मासूमियत के साथ पूछती थी कि तुम्हें मुझे खोने से डर नहीं लगता, कि तुम्हें मुझे खोने से डर नहीं लगता, मैं तुमसे इतनी देर के लिए दूर हो गई थी जबकि कुछ लम्हे बीते हुए थे। वो कहती थी कि तुम्हें मुझे खोने से डर नहीं लगता, मैं इतनी देर के लिए तुम्हारा हाथ छोड़ के आगे चल रही थी, तुमने मिस नहीं किया मुझे। हालांकि फासला कुछ गज का ही था, कुछ लम्हे ही बीते थे उसे मेरा हाथ छोड़े हुए, लेकिन उसकी मासूमियत को देखते हुए मैं उसे कह देता था कि हाँ बहुत मिस किया मैंने तुझे और डरता हूँ तुझे खोने से। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, वो लम्हे बहुत अच्छे गुजर रहे थे आपस में, लेकिन वो इश्क कब बैर में बदला पता ही ना चला और वक्त दिखा बैठा अपनी कला। तो वैसे तो ये लड़ाई झगड़े ये सब प्यार मोहब्बत का हिस्सा ही होते हैं, पर इस हिस्से ने कब इस रिश्ते को एक किस्से में बदल दिया पता ही ना चला। शायद लड़ाई झगड़े जितने हुए उतना मनाना नहीं हुआ, कुछ बातें जो समय से कह देनी चाहिए थी वो जुबां से लबों तक का सफर तय नहीं कर पाई, और मेरी चुप्पी को कब उसने मेरा वैसा ही होना समझ लिया पता ही ना चला। जो कभी मुझे चैटर बॉक्स कहता हुआ नहीं थकती थी, आज वो मेरे साथ नहीं। मुझे आज भी याद है वो दिन और उस दिन में बिताए हुए वो आखिरी कुछ लम्हे जो बार बार मेरे जहन में दस्तक देते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, और याद दिलाते हैं हर उस लम्हे जो आखिरी लम्हे हम साथ बीत रहे थे और जब वो रिश्ता दम तोड़ रहा था अपना। उस समय वहां बैठे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आ रही थी, वो आखिरी लम्हे जो बिता रहे थे हम उस कमरे में, कि जो कल था वो आज नहीं होगा और इस आज का अब कोई कल नहीं होगा। जो कल था वो आज नहीं होगा और इस आज का अब कोई कल नहीं होगा। वो वॉलपेपर्स नहीं होंगे उसकी लॉक स्क्रीन पे मेरे, वो कॉल्स नहीं होंगी, वो व्हाट्सएप चैट्स नहीं हुआ करेंगी, मनाना नहीं होगा क्योंकि लड़ाई नहीं होगी क्योंकि लड़ाई करने वाले ही नहीं होंगे। और ये सब सोच ही रहे थे कि वक्त बीत गया यार, तो वो आखिरी कुछ लम्हे यूं बीते उसके और मेरे दरमियान के, चाहते तो शायद संभाल लेते उस दिन एक दूसरे को, शायद नहीं शायद संभाल ही लेते, पर वक्त ज़ाया कर दिया निकालने में एक दूसरे की खामियां। यूं तो अब उस कमरे की खामोशी तक बया कर रही थी वहाँ बीते हर लम्हे की दास्ता, और जैसे बार बार एहसास करा रही थी मुझे कि वहाँ गुजरा हुआ वो वक्त कितना खास था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था लेकिन बिन कुछ कहे ही बैठे ना वक्त बीत रहा था, और अभी तक नजरें तक नहीं मिली थी हमारी, और थी तो सिर्फ उस घड़ी के कांटे की कच्च की आवाज़ और उस खिड़की से अंदर आती हवा का शोर। शायद बातें सारी खत्म हो चुकी थी हमारी। अब वो जब भी मेरे जहन में आ रही थी, जब बार बार उसका चेहरा मेरे जहन में आ रहा था, तो उसका वही वाला चेहरा आ रहा था जब देखा था मैंने उसे पहली दफ़ा, पर डर मैं उस सच्चाई से रहा था जो सामने मेरे बैठी थी नज़रों को फेर होकर मुझसे खफा। उस कमरे में एक घुटन सी हो रही थी बैठने में, अब तो वक्त काटना पहले ही मुश्किल हो रहा था कि उसके उन अल्फाजों ने जैसे कुछ वक्त के लिए मेरी सांसों को ही रोक दिया जब उसने मुझसे कहा कि अब नहीं होगा मुझसे। उस समय उससे सिर्फ इतना ही कह देना चाहता था कि इस लड़ाई से परे इन झगड़ों से परे भी एक दुनिया जीती हमने कभी, उस दुनिया के खातिर एक बार पूछ तो लेती कि मैं चाहता क्या था तुझसे। कहना तो उससे उस दिन भी बहुत कुछ चाहता था पर मैं चुप रहा क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी, वरना बता देता उसे कि रिश्तों के मायने क्या होते हैं, दिल टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि दिल उसका नहीं टूटा था कभी, दिल से वो जिंदा थी क्योंकि सांसें उसकी चल रही थी, दिल से जिंदा थी वो। पर मैं चुप रहा, पता है क्यों? क्योंकि जज्बातों से वो मर चुकी थी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।